subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Arya, how are you? I'm good. How are you? I'm also good. So, अब अचानक से हमने देखा कि इतनी बेस्ट एक्ट्रेस, इतनी बेस्ट आपने एक्टिंग किया है, सीरियल्स किए, फिल्म्स किए, और अब अचानक से ब्लॉगिंग क्यों? हाँ, एक्चुअली या आई यूज्ड टू डू एक्टिंग बिफोर, बट दैट वाज रीजन, द रीजन वाज लाइक दैट वाज माय पैशन एंड हॉबी इवन एक्टिंग, बट आई नेवर थॉट टू मेक करियर. तो मुझे लगा था कि जब तक मैं कर सकती हूँ करती हूँ, और उसके बाद सडनली वन डे आई जस्ट लेफ्ट इंडस्ट्री आफ्टर माय वेरी सुपरहिट शो कॉल्ड देवों का देव महादेव. और उसके बाद मैंने सोचा कि लेट मी गेट इनटू माय फैमिली बिजनेस. तो मैं एक साल तक फैमिली बिजनेस में थी बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस वूमन. और मुझे हमेशा एक बचपन से हैबिट रही है कि मैं किसी के अंडर काम करना नहीं चाहती. आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग यू नो बाय माय सेल्फ. तो मुझे लगता था कि जो भी करूं मैं खुद का करूं, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू एक्टिंग यू हैव टू फॉलो रूल्स, एंड लाइक रूल्स काइंड ऑफ मीन्स व्हेन यू वर्क अंडर एनी प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूएवर. सो मुझे लगता था कि वन डे आई विल प्रोड्यूस और अंटिल आई विल नॉट डू एक्टिंग ऐसा. तो फिर मुझे लगा कि लेट मी डू माय फैमिली बिजनेस एंड ऑल. तो उसके साथ साथ आई वाज लाइक इट वाज फैमिली बिजनेस, तो थोड़ा सा मुझे फ्रीडम ज्यादा था जस्ट टू लीव ऑफिस और एक्सप्लोर. सो मैं आई स्टार्टेड डूइंग ट्रैवल, एंड मुझे लगा कि ट्रैवल मेरा बचपन से पैशन रहा है. मैं बचपन से अकेले ट्रैवल करती हूँ हर जगह. तो फिर मुझे लगा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जब भी मुझे हॉलीडेज मिल रहे हैं, जब भी मौका मिल रहा है. और साथ साथ मैंने ट्रैवल करना शुरू किया 2017 से आई थिंक. और बिकम लाइक जितना मैंने ट्रैवल किया और जितना मैंने एक्सप्लोर किया 2019 तक, और वन डे आई रियलाइज्ड कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड. एंड ऐसा लग रहा था कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. और फिर मुझे लगा कि जितना भी मैं घूम रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया के वहाँ पर बस खत्म हो जा रही है, एंड मेरे पास कोई मेमोरीज नहीं है. देन डिसाइडेड कि लेट मी स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल. इन दैट वे आई कैन कैप्चर माय यू नो ऑल मेमोरीज एंड फॉर एवर. तो बस फिर मुझे एक पैशन था कि देन मैंने थोड़ा सा यूट्यूब और जो भी यूट्यूब इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा और मैंने करीब से देखा, और ये चीज मैंने जानी कि यूट्यूब इज अगेन अ गुड बिजनेस. यानी अगर आप मेहनत करते हो, देखो एनी बिजनेस यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इनिशियली 2 years व्हाटएवर यू वांट टू डू. आई वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट इन मुंबई, तो वहां पर भी मुझे 2 साल देने पड़ते हैं. और इन दौरान काफी सारी चीजें मुंबई में चेंज हो गई थी, और there was some accident happened in Kamla Mills जहाँ पर license and all सारे मिलने बंद हो चुके थे. तो फिर मेरा वो idea drop हो गया, और फिर मैंने सोचा कि मैं travel कर रही हूँ तो let me start my YouTube channel because I used to do anchoring before. तो मैं वैसे भी काफी बोलने में free रही हूँ, और interact करने में लोगों के साथ काफी मुझे comfortable रहा है हमेशा से. तो बस मैंने फिर सोचा कि मैं YouTube channel चालू करती हूँ, उसमें मैं 2 साल अपना देती हूँ, day night let me work on that. और अगर जो भी चीज नॉर्मल लड़कियां नहीं करती है, एंड मैंने अपना ट्रैवल शुरू किया था कोविड के टाइम पे, वो भी जब ट्रैवल ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स जो भी हैं यूट्यूबर्स, वो लोग बाहर नहीं निकलते थे. बट दैट वाज माय चैलेंज कि लोग घर पे बैठे हैं, और दैट्स अ रिस्क ऑफ कोर्स, दैट इज नॉट गुड मैसेज वन डे यू नो एंड ऑफ द डे. बट वो सिर्फ मेरे से ही, क्योंकि एज आई लिव अलोन, तो ऐसा भी नहीं कि मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो एंड ऑफ द डे मुझे जब घर पे आना है तो मुझे थोड़ा सा केयर करना है, बिकॉज मैं अकेली रहती हूँ. तो आई यूज टू मीट आई यूज टू लाइक स्टॉप मीटिंग पीपल दैट टाइम यू नो, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे किसी और के साथ ये सारी चीजें शेयर नहीं करनी थी. तो बस मैंने अपना अकेले ट्रैवल करना शुरू किया, एंड दैट वे आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल. मेरे कुछ डिसम्बर एंड फरवरी वॉज द लास्ट डेस्टिनेशन टर्की जहाँ मैंने ट्रैवल किया था, और वो सारे मैंने चीजों को यू नो गैदर करके अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, एंड उसके बाद भी मैंने अपना ट्रैवल कंटिन्यू रखा था. अच्छा आर्य, आपका जो साउथ की जो फिल्में थी आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा हिट थी, आपने एक अच्छा नाम कमा लिया था साउथ में. तो साउथ की इंडस्ट्री छोड़ना मतलब अचानक से पूरी तरीके से, दैट वाज वेरी नहीं. साउथ वाज इवन जस्ट ऐसे ही, कभी मैं मुंबई में थी एंड देयर वाज सम ऑडिशन, एंड मैं ऐसे ही बस वॉकिंग चली गई थी वहां पर. मैंने ऑडिशन दिया, सम हाउ दे लाइक माय फेस, थोड़ा सा इंडियन एंड आई डोंट नो, और सिलेक्शन हो गया, और मैं दैट वाज इवन डेस्टिनी की हो गया. और फिर वहां रहते रहते मुझे एक दो फिल्म्स और मिल गए, मैंने कर लिया. बट साउथ वाज नेवर इन माय
यू नो लिस्ट कि मैं कभी साउथ में फिल्म करूंगी. एक तो लैंग्वेज इश्यू है वहां पर, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश. इवन फूड, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे हमेशा से खाने की इश्यूज होती थी. मैं 2-3 महीना साउथ में रही थी तो नो डाउट वो लोग वेजिटेरियन खाना देते थे, बट वो जिस हिसाब से उनका खाना रहता था वो पूरा साउथ इंडियन टच रहता था. तो अब कितना ये नहीं, आई वॉज ऑलवेज मिसिंग माई मुंबई एंड माई नॉर्थ इंडिया एंड माई लाइफ. तो मैंने कभी साउथ सोचा नहीं था. आई वॉज नेवर कम्फर्टेबल वर्किंग इन साउथ इंडस्ट्री, दैट वॉज ओनली हॉबी. बट हाँ, सक्सेस के बाद इंसान थोड़ा सा डगमगा जाता है, उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि इतना आप कुछ भी कर रहे हो और उसके बाद सडनली बंद कर. बट मैंने हर चीज बहुत लाइटली ली थी क्योंकि मेरे माइंड में कुछ और ही था हमेशा से. एक समय के साथ मैं बस खाली यू नो एक्सपीरियंस कर रही थी कि चलो अभी कुछ नहीं है, सो आई स्टिल हैव टाइम एंड अभी मैं कुछ मेरा गोल मैंने डिसाइड नहीं किया तब तक, मुझे करने दो जो भी मिलता है. तो दैट वे आई वॉज डूइंग, बट दैट वॉज नॉट माई पैशन क्योंकि अदरवाइज तो मैंने काफी अच्छे मूड पे इंडस्ट्री छोड़ी थी. उस टाइम पे मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ती तो शायद आज बहुत और भी आगे काम करती होती. तो दैट वॉज माई ओन डिसीजन, नो वन फोर्स्ड मी फॉर दैट. अरे आपने दोनों इंडस्ट्री में काम किया है, साउथ में भी किया है, यहाँ पे भी किया, तो मतलब दोनों में इंडस्ट्री में आपको फर्क क्या लगा? सिस्टम एंड डिसिप्लिन. मुझे मैंने यहाँ पर भी काम किया और वहाँ पर भी किया है. वहाँ पर मैंने देखा कि साउथ में वर्क डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मोर देन मुंबई. That was my personal experience जब मैंने काम किया है, क्योंकि वहां पर डे एंड नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे. यानी एक महीने में उनको फिल्म खत्म करनी है तो करनी है, एंड डे नाइट दे वर यूज टू वर्क. बट या ऑफ कोर्स हर जगह लोग तो हार्ड वर्किंग है, यहाँ पर भी वहां पर भी, क्योंकि आप जो भी फिल्म देखते हो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है. बट somehow मुझे साउथ का एक्चुअली क्या था ना, बीइंग अ एक्ट्रेस वहां पर, एक तो आपके पास लैंग्वेज नहीं है, आप तेलुगु तमिल कर रहे हो, तो एक प्रिपरेशन जो होती थी ना उसका एक मजा अलग होता था. क्योंकि वहां पर स्क्रिप्ट के साथ आपको प्रॉपर समझाया जाता था क्योंकि लिप्स इन मैच करना है चीजें. तो वो एक जो प्रोसेस रहती थी बिफोर स्टार्टिंग फिल्म, वो 10-15 दिन की जो वर्कशॉप रहता था वो ज्यादा अच्छा, वो मजा आता था. वो थोड़ा एक डिफरेंस था क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट दी जाती है और बिकॉज यू आर ऑफकोर्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, यू नो हिंदी वेरी वेल, तो कोई टेंशन नहीं रहती है. And you have to just concentrate on your acting. वहाँ पर क्या language पे भी आपको concentrate करना है क्योंकि dubbing होती है, but you have to match your lips accordingly, dialogues and also somehow आपको वो by heart करना पड़ता है. तो that was challenging and fun. And मुझे वहाँ के songs करने में बहुत मजा आता था क्योंकि वहाँ के songs बहुत लटके झटके वाले, music and all. So I really enjoyed shooting. मेरे जो भी film के songs रहते थे वो मुझे बहुत मजा आता था करने में. And yeah, थोड़ा फर्क है south and north industry में, but being a North Indian, you will more attached with North industry somehow. अरे lockdown के time पे जब घर से बाहर निकलना मना था, आपने vlogging के लिए आप घर से बाहर निकली, तो कोई ऐसा एक डर था मन में क्योंकि उस वक्त सब जगह पे lockdown हो गया था, and वो पूरा कैसा रहा आपका पूरा journey जिस तरीके से आप back to back India को explore कर रही थी? जी एक्चुअली लॉकडाउन के शुरू के 3 महीना तो इवन मैं भी घर पे थी, बट हाँ एक दो बार मैंने अपना कुछ यूट्यूब के ब्लॉग शूट किए थे मुंबई ड्यूरिंग लॉकडाउन, जिसमें पूरा मुंबई बंद था, हर जगह पुलिस थी. बट आई वाज अ गर्ल हु लेफ्ट होम एंड मैंने कुछ परमिशन छोटी मोटी यू नो सारी पॉजिटिवली बात करके कॉप्स एंड ऑल मैंने थोड़ा सा फुटेज शूट किया था, जबकि ऑफिशियली अलाउ नहीं है और नहीं था, बट थोड़ा सा मैंने मैनेज किया था इन दैट वे, रिक्वेस्ट किया था उन लोगों को. एंड थोड़ा सा मन में डर भी था क्योंकि, बट हाँ तब सब कुछ बंद था उस टाइम पे. तो अगर बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई, तो सब कुछ बंद था तो कोई था ही नहीं बाहर, तो मैं खुद ही सेफ थी क्योंकि कोई है ही नहीं, किसी को मिलना भी नहीं, टच भी नहीं करना है. मुझे सब मुंबई का जो लुक है नॉर्मल, जो इतना फास्ट मुंबई होता है उसका लुक ड्यूरिंग द कोविड कैसा है, तो वही दिखाना था. तो उसके लिए वो एक अलग एक्सपीरियंस था. एंड उसके बाद मैंने फर्स्ट अपना जो ट्रैवल शुरू किया वो था राखी, रक्षाबंधन इन अगस्त, क्योंकि मेरा भाई जो है वो अहमदाबाद में रहता है तो मुझे उसको मिलना था और मेरी फैमिली को मिलना था. तो दैट वाज द ओनली रीजन. मुझे लगा कि बाय रोड स्टेट टू स्टेट ट्रैवल वैसे चालू नहीं था, बट यू हैव टू मेक अ पास एंड ऑल. तो मैंने सारी चीजें मैनेज करते फुल फ्लैज प्लानिंग करी थी मैंने फुल फ्लैज, और मैं उसके साथ निकल गई थी और मैंने वो पूरा ब्लॉग शूट किया था. उसके बाद मैं वहां से उदयपुर, मुझे कुछ रिजॉर्ट्स के कोलैप्स थे तो मैं वहां चली गई थी. और लेकिन हर जगह पब्लिक काफी कम थी, मन में डर जरूर था
कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, बट सच बताऊं तो जब भी मैंने शूट किया है सिर्फ उसी टाइम में मैंने मास्क उतारा है जस्ट टू यू नो फ्रंट ऑफ कैमरा डायलॉग्स जो मुझे बोलने, क्योंकि मैं डिलीवर प्रॉपर नहीं कर, पहले तो मैंने स्टार्ट किया था कि मास्क के साथ ही बोलूं, बट मैं डिलीवर नहीं कर पा रही थी, यू नो आई एम ऑलवेज एक्सप्रेसिव, तो मुझे लगता था मैं जो बोल रही हूँ मेरे लिप्स मेरी आईज और वो सारी चीज़ें मैच होकर मैं अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करूँ प्रॉपरली. तो शुरू में मास्क पहनती थी, फिर मैंने मास्क रिमूव कर दिया, तो काफी मुझे मैसेज एंड डीएम्स भी आते थे कि मैम आप मास्क नहीं पहनती हो, तो मैं उनको समझा रही थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो जो डायलॉग जब बोलने हो तभी मैं मास्क निकालती हूँ और उसके बाद मास्क पहन लेती हूँ. आई ऑलवेज हैव मास्क इन माय पॉकेट, मैं कभी भी विदाउट मास्क, इवन सैनिटाइजर एवरीथिंग आई कीप विद मी. एंड मैं हमेशा रोड ट्रिप करी है मैंने, जब भी मैं गई फर्स्ट मेरी फ्लाइंग ट्रिप थी वो थी हिमाचल, हिमाचल टूरिज्म चालू नहीं हुआ था बट उसके पहले ही मैं अमृतसर पहुंच गई थी और अमृतसर से गोल्डन टेम्पल वॉज टफेस्ट एंड रिस्की प्लेस, क्योंकि इतने ज्यादा मेरे दो फ्रेंड्स के पेरेंट्स को गोल्डन टेम्पल जाके कोरोना हुआ था और वहां पर सच बताऊं तो मैंने जो देखा मैं खुद डर गई थी, क्योंकि वहां पर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था, लोग कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे, लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, तो मुझे थोड़ा सैड भी फील हुआ कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है. बट या लाइक आई वॉज टेकिंग केयर और थोड़ा सा मन में डर था. वहां से मैं हिमाचल चली गई थी बाय रोड अकेली 10 days के लिए. तो हिमाचल टूरिज्म शुरू हुआ था 16th September से, बट उसके पहले मैं हिमाचल में एंट्री कर ली थी सारे टेस्ट रिपोर्ट सबके साथ पुलिस कॉप सबसे बात करके. एंड आई वॉज द फर्स्ट टूरिस्ट बेसिकली जो हिमाचल में डलहाउसी और सब जगह एंटर हुई है, और भी एक दो यूट्यूबर गए थे बट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, बट आई थिंक डलहाउसी में कोई नहीं गया था. मैं पहली थी जो डलहाउसी बाय रोड गई थी, धर्मशाला में आई थिंक और भी एक दो यूट्यूबर गए थे जो मैंने देखा था, बट एंटायर जर्नी वॉज अमेजिंग हिमाचल में. थैंक गॉड कोरोना के केसेस बहुत कम थे तो बहुत रिस्क फैक्टर कम था वहां पर, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया. उसके बाद मैं फिर वापस आई, फिर उसके बाद मैं गोवा चली गई, गोवा मैंने एक्सप्लोर किया, गोवा के मैंने काफी अनसीन प्लेसेस एक्सप्लोर किए, गोवा में भी कोरोना के केसेस काफी कम थे. तो बट हर जगह या थोड़े चैलेंजेस रहे हैं टाइमिंग, क्योंकि आज की डेट में भी काफी यूट्यूबर और ब्लॉगर जो ट्रैवल थी फ्यू है जो चालू उन लोगों ने स्टार्ट किया, बट काफी लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया. बट मैंने यही सोच के स्टार्ट किया कि यू नो दैट्स अ चैलेंज फॉर मी एंड लेट मी डू. हमने देखा कि आपने गोवा को जिस तरीके से एक्सप्लोर किया है एंड जो अनसीन प्लेस चीज़ें हैं, तो वो सब किस तरीके से हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर इस सब जगह पे जाना एक तरीके से बंद ही था, तो किस तरीके से पूरा एक्सपीरियंस रहा गोवा का अनसीन प्लेस एंड ऑल? हाँ जी, एक्चुअली गोवा भी देखने जाओ तो काफी शांत था जब मैं गई थी. अभी आई थिंक गोवा धीरे धीरे अक्टूबर नवंबर से खुलना शुरू हुआ है, मैं अक्टूबर में गई थी. और बेसिकली क्या है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ उसके पहले बहुत रिसर्च करती हूँ जगह है और सारी चीज़ों का, उसके बारे में पढ़ती हूँ कहाँ पर क्या है. और क्या है, हम जब गोवा जाते हैं तो नॉर्मली लोगों के दिमाग में बीचेस आते हैं, चर्चेज आते हैं जो नॉर्मली हमें आइटिनरी में दिखाया जाता है, बट बहुत सारी ऐसी अनसीन जगहें हैं, बहुत ऐसी खुफिया जगह है गोवा में जो बहुत उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है. बेसिकली मैं जहाँ पर गई थी वो एक्चुअल गोवा से 2-2 घंटा ड्राइव करके, यानी यू विल फील कि आप अनदर स्टेट में जा रहे हो कहीं पर, यू नो कोई अलग सिटी में जा रहे हो, तो इतनी दूर थी. बट वहाँ के लोकल लोगों से मैंने काफ़ी इंक्वायरी करी थी और लोकल लोगों के साथ बात करके उनसे मैंने यू नो हेल्प लेके वो लोग मेरे साथ आए थे और एक दो लोग जिनके साथ मैंने कंटिन्यूस टच में रही थी मैं, और लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प करी क्योंकि जाना तो मुझे ही था, ब्लॉगिंग तो मुझे ही करनी थी, दे कैन हेल्प मी आउट एटलीस्ट कि कहाँ पर कितना सेफ है क्या है. तो इस तरीके से मैंने कुछ जगहें थी जैसे जंपिंग हाइट्स है वहाँ पर गोवा में जो नॉर्मली लोगों को कम पता है, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि मैम अगर आप यहाँ पर आके फिल्म कर सकते हो हमारी जगह, बिकॉज दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई थॉट अब गोवा चालू हो चुका है और हो रहा है तो एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए कि गोवा में रिसेंटली क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है. तो सारी चीजें रिसर्च करके लोकल लोग हमेशा आप जहां पर भी जाते हो होता है, जब मैं हिमाचल में भी थी या गोवा में थी, जितने भी लोकल लोग होते हैं ना उनके साथ अगर आप बात करके हेल्प करो तो बहुत ही फर्क पड़ता है, रादर देन रिसर्च ऑन गूगल, क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं उनको ज्यादा पता होता है. अरे हमने हमेशा देखा है कि अगर कोई ब्लॉग करने जाता है तो फिर एक पूरी अच्छी खासी टीम लेके जाता है, लेकिन आप सोलो ही कर रही थी, आपने पूरा जो भी ट्रैवलिंग किया आपने सोलो ही किया, तो कहीं कुछ ऐसा डर लगा या फिर एक सोलो बीइंग अ वुमन, तो फिर किस तरीके का, क्योंकि हमने नॉर्मली देखा है कि एक नॉर्मल अगर कोई भी इंसान होता है तो अपनी टीम के साथ में ही ब्लॉगिंग करता है. ट्रू ट्रू एक्चुअली. हाँ जी, ये बहुत ही बड़ी बात है एक्चुअली, सब लोग बोलते हैं अकेले कैसे कर लेती हो, कैसे जा रही हो, बट सच बताओ तो बहुत टफ रहता है. आई रियली मीन दैट एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ जो मैं लोगों के सामने लाती भी नहीं हूँ, बट आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ सीरीज ऑल्सो वॉट एग्जैक्टली फेसिंग द प्रॉब्लम, बट आई डोंट वॉन्ट टू डीप
motivate my people and whole are traveling solo. But yeah, they if traveling solo, that's fine. But traveling solo and again vlogging up us up episode, which is very tough. So that's why मैं लोगों को दिखाती नहीं हूँ कि क्या problems होती हैं. But होती है क्योंकि I'm handling camera, I'm shooting as well. मैं अपनी script, अपनी सारी चीजें, अपने साथ साथ में research चलते हैं. तो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि मैं चार घंटा भी सो के नेक्स्ट डे का टारगेट कैसे पूरा करूँ, ताकि मैं जितना हो सके क्रिएटिव पार्ट शूट कर सकूँ. और साथ में बहुत सारी चीजें होती है कि आप शूट कर ले तो उसके बाद आपकी क्लिप्स आपकी कैसी आई है, आपको उसको यू नो सारी मैनेज करनी है, सारी चीजें करनी है, क्या शूट किया, नेक्स्ट डे आप कुछ अगर गलती किया तो अपने नेक्स्ट डे आपको क्या ध्यान रखना है. तो बहुत सारी चीजें जो मैनेज, एक्चुअली आई डू ऑल पेपर प्लान, सारी चीजें मैं नोट्स में लिखती हूँ, हर चीजें मैनेज करके. एंड देन एंड दैट टाइम यू नो आई डोंट इंटरेक्ट विद पीपल लाइक पीपल और माय फ्रेंड्स और माय फैमिली स्ट्रिक्टली, क्योंकि माइंड बहुत डाइवर्ट होता है. तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ अपने काम में रहती हूँ, सिर्फ मैं और मेरी कंपनी, मेरी तनहाई, व्हाटएवर. और मैं उसके साथ ही अपनी सारी प्लानिंग्स के साथ अपने हिसाब से चलती रहती हूँ. एंड आई ऑलवेज बी ब्रेव. द रीजन जब आप ब्रेव हो ना तो आप किसी के भी साथ अपफ्रंटली बात कर सकते हो. तो अगर मैं अननोन जगह पर भी हूँ, जहां पर भी हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्रेव होके आई जस्ट इंटरेक्ट विद पीपल, हूएवर, एनी गाय, एनी पर्सन, कोई भी इंसान है, लड़का लड़की, यू नो कोई मैन वुमेन, तो मैं सबके साथ बात कर लेती हूँ. क्योंकि जनरली लोगों को वहां पर थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि आप कैसे पूछोगे, कैसे बात करोगे. आई जस्ट गो एंड आई मेक देम कंफर्टेबल, सो इन दैट वे दे स्टार्ट टॉकिंग विद मी. तो मुझे कुछ भी इश्यू है तो मुझे तुरंत उसकी रिप्लाई मिल जाता है अगर मैं कहीं अटक रही हूँ तो. सो इट्स ऑल अबाउट द ब्रेवनेस. बट या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अकेले ट्रैवल करने में, बट आई फेस एंड आई गो अहेड. अरे आपकी फैशन ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. एंड जिस तरीके से आप हर एक ट्रैवलिंग को इतना लोगों ने पसंद किया, वैसे आपके फैशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फैशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ माई ट्रैवल, क्योंकि मुझे बचपन से तैयार होने का बहुत शौक है. आई लव शॉपिंग. तो मैं जब भी इंडिया में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया शॉपिंग, द रीजन हिमाचल हो या गोवा, आप ज्यादा शॉपिंग क्या ही कर लोगे. बट या व्हेनेवर आई ट्रैवल अब्रॉड आई ऑलवेज यूज टू शॉप, और मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, बहुत ज्यादा मुझे शौक है. आई ऑलवेज स्पेंड मनी फॉर दैट. और मुझे लगता है कि मैं जो अलग अलग कंट्री की चीजें कुछ भी पहन रही हूँ कलरफुल, यू नो, तो मेरे ब्लॉग्स में वो चीज देखे हैं लोगों को, वो अट्रैक्शन हो, व्हेन यू आर ब्यूटीफुल, व्हेन यू गेट रेडी नाइसली, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो. इट्स नॉट लाइक इट जस्ट मैंने ब्लॉग शूट कर ली. सो आई ऑलवेज टेक केयर कि मेरा हेयर कैसा है, मेरा मेकअप कैसा है. लोग ये भी बोलते हैं कि हाउ यू मैनेज योर क्लोथ, तुम्हारे जैकेट्स, हर दिन के कपड़े, तुम्हारे शूज, बैग्स, मेकअप, ग्लेस, लाइक आई रियली आई एम टेलिंग यू. मैं 10 दिन जाती हूँ तो मेरे पॉकेट में 10 दिन के वॉचेस होते हैं एटलीस्ट, यू नो आई डोंट रिपीट 2 डेज के लिए. मैं शूज, मेरे 5-6 पेयर शूज होते हैं 10 डेज के, और लाइक स्पोर्ट्स शूज होते हैं, यानी हर चीज, लाइक मेरे ड्रेस, मेरे यानी मुझे पता होता है कि मंडे मुझे ये पहनना है, ट्यूजडे ये पहनना है. सो आई मैनेज इन दैट वे. और मैं इसलिए हर दिन नए कपड़े, नई फैशन, नई चीजें, आई लव टू, बिकॉज आई लव फैशन. और मुझे लगता है कि ट्रैवल एंड फैशन, इवन फूड इज माई जस्ट love. I love to eat food, you know, mujhe cuisine different khane bahut pasand hai. But I'm a vegetarian to mujhe thoda sa out of India problem hoti hai. But jab India mein hoti hu to explore, jaise Himachal mein maine kafi alag alag restaurants explore kari thi, and I did vlog for that. Goa mein mauka nahi mila, I wanted to do, but Goa is again famous for seafood, so that's why I avoided. But yeah, I would love to do in future again food, fashion and travel. That's my, you know, the main criteria jo main hamesha karna chahungi. फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट फॉलो, बिकॉज मुझे झगड़े ज्यादा पसंद नहीं है. आई एम वेरी लविंग एंड यू नो पीसफुल लाइफ वाली लड़की. तो मुझे वो बहुत ज्यादा, जब लोग चिल्लाते हैं तो मुझे सरदर्द होने लगता है. सो आई डोंट फॉलो मच, सीरियसली बोल रही हूँ. और जैसे दोस्त लोग कभी बात करते हैं और कुछ न्यूज मिल गई तो मुझे मिल गई. बट या आई डोंट माइंड टू, you know, be part of Bigg Boss in future. अगर मौका मिला, कुछ ऐसा हुआ तो, but not in normal way कि कभी wild card entry हो गई, दो दिन के लिए आप show off करके आ गए. But yeah, अगर मैंने ऐसा कुछ achieve किया by God grace और कुछ ऐसा हुआ और मैं इतनी famous हो कि Bigg Boss बुलाते, then I would love to be part. Not like a Bigg Boss में जाने के लिए कभी भी जा सकते हैं, वैसे बहुत सारे और भी रास्ते हैं, but I don't want to be part of right now. अगर मैंने कुछ achieve किया तभी, otherwise कोई जरूरत नहीं, I'm okay. तो कुछ आइडियाज है कि इस बार कौन कौन कंटेस्टेंट है, उनमें से आप किसी को जानती हैं पर्सनली?
गौर खान गए थे वो मुझे पता है, फिर और भी काफी नए लोग इस बार, राहुल वैद्य ही इज माय फ्रेंड, सो या ही इज देयर, आई डोंट नो whether he's still he's there inside, yeah, he is there, he's there, राहुल वैद्य, राहुल वैद्य इज देयर, और एक दो कोई और नए लोग हैं जो मैंने शायद सुना था इस बार कि काफी नए लोगों को मौका दिया है, विच इज गुड, तो बट मुझे ज्यादा पता नहीं है कौन है, सच बता रही हूँ. तो राहुल वैद्य इस वक्त घर में है, पर उनका एक अलग ही नेचर देखने मिला जब वो डे वन डे वीक, उनका जो फर्स्ट वीक था वो एकदम शांत थे, बट अचानक से जब उनका एक झगड़ा हुआ था उसके बाद में उन्होंने एक अलग ही अपना एक रूप दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगी, बट एक बात है, मैं अगर कभी सोचूं कि आपको 3 महीने या 6 महीने के लिए एक ही घर में बंद होना है, एक ही चेहरा देखना है, एंड फॉर मी इवन वेरी टफ, क्योंकि मैं तो किसी के साथ रूम भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, और आई एम अ गर्ल हु लिव अलोन, हु लव टू लिव अलोन, आई डोंट लिव विद माई फैमिली ऑल्सो, आई जस्ट गो एंड मीट देम, एंड यानी इतने लोगों के साथ आपको रोज रहना है, वही चीजें रिपीट मोड पे करनी है, यू नो आई डोंट डू शूट एंड एक्टिंग, द रीजन एक ही स्टूडियो के नीचे आपको पूरा महीना काम करना है, यू नो एक ही छत के नीचे एक ही लोगों के साथ, विच इज वेरी टफ. तो एक हर इंसान में एक एंगर होता है इनसाइड जो आप दबा के रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको शांत रहना है, यू आर सेलिब्रिटी, यू कांट मिसबिहेव फ्रंट ऑफ पीपल, तो आप हर चीज को समेट के रखते हो आपके अंदर, लेकिन ना जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो शायद एक दिन आप वो यू नो ब्लास्ट कर दोगे. तो मैंने तो एक भी एपिसोड नहीं देखा राहुल का, बट आई नो राहुल इज वेरी काम, वेरी नाइस गाय, वो बहुत ही शांत लड़का है, बट अगर ऐसा कुछ हुआ है देन आई एम श्योर कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसका कंट्रोल खत्म हो चुका होगा, तो विच इज ऑब्वियस होता है, बट पता है ये सारी चीजों के बाद भी अगर पेशेंस के साथ जो निकल जाए बिग बॉस से, वही विनर है, दैट आई मीन आई बिलीव आल्सो. सभी से इंतजार कर रहे हैं, राहुल वैद्य ने जो दिशा परमार को नेशनल टेलीविजन पे प्रपोज किया, तो क्या कहना चाहेंगे? या इवन आई हैव हर्ड अबाउट, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, यू नो लाइक आई न्यू देयर वाज सम रिलेशनशिप एंड ऑल, बट या दिस इज नाइस, ये सब एक्सपेक्टेड है एक्चुअली, क्योंकि बिग बॉस में जाने के बाद लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, नहीं होता है वो ग्रो हो जाता है, तो दैट्स गुड, इवन गुड फीलिंग, यू नो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर दैट, कि आई होप दोनों साथ में रहे और अच्छे से लाइफ बिताए आगे बाहर आके भी. और अच्छा, आप लाइक आप राहुल और दिशा, राहुल की आप अच्छी फ्रेंड है, तो आप कभी ऐसा हुआ है कि आप राहुल और दिशा एक साथ में कहीं पे मिले हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, राहुल और मैं अच्छे फ्रेंड है, मींस वी आर इन टच, वी वर समवेयर इन शो टुगेदर वेरी like so many years back, not recently, तो एक टच में आप रहते हो, then we are in touch with the people, you just you know interact with the people, festivals mein, birthdays pe, you are coming up with new songs and all, to interact ho jata hai in that way, we are not that close ki we hang out together. अच्छा, बात करते हैं बाकी कंटेस्टेंट की, जैसे आपने बोला कि गौहर, गौहर तो सिर्फ चंद दिनों के लिए थी पर वो निकल गई थी, पर अगर आपको अगर फ्यूचर में, जैसे आपने कहा कि आप बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए, तो क्या आप पहले से ही प्रिपरेशन करके जाएंगे? खाना बनाना पड़ता है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बट मुझे तो कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने अगर पास्ट में भी 2-4 एपिसोड देखे हैं और बिग बॉस का जो मुझे प्रॉपर लुक पता है ना, तो मुझे मेरे लिए मुझे बहुत वैसे ईजी लगता है, बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई एम वेरी होमली गर्ल, हु डू झाड़ू पोछा, हु डू बर्तन ऑल्सो, हु डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम, शी हु गेट्स रेडी एंड यू नो हु वेयर्स बिकिनी ऑल्सो, हु जस्ट डू एवरीथिंग, सो हु डज एवरीथिंग, तो मुझे ऐसा है कि मैं तो सब चीज़ें करती हूँ, तो मेरे को ऐसा है कि ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मेरे आस पास जो भी लोग रहे हैं ना, चाहे दोस्त हो चाहे फैमिली हो, दे ऑल लव मी सम हाउ, आई एम ब्लेस्ड, आई डोंट नो, ना मुझे गुस्सा आता है किसी पे, और अगर मेरे दुश्मन भी है वो भी मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो भी मुझे प्यार करता है somehow, वो पता नहीं क्यों, शायद मेरा वो नेचर है ऐसा, क्योंकि मैं दुश्मन को भी प्यार से रखती हूँ, like, मेरा वो नेचर है, मैं उनको भी माफ कर देती हूँ, सो आई बिलीव कि मैं जितना हो सके आई स्प्रेड लव, आई डोंट मेक एनिमीज, और मुझे लगता है कि एनिमी क्यों बनाना है लाइफ में, यू नो दुश्मन क्यों, यानी भगवान ने एक जिंदगी दी है, प्यार से रहो, सो मुझे ऐसा लगा अच्छा मारना है मार लो, पीटना है पीट लो, कुछ भी नहीं, लाइक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आई नेवर यूज्ड टू बी लाइक दिस, बट ओवर द पीरियड आई बिकम लाइक दिस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज परफेक्ट, क्योंकि मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो सामने वाला ऐसे ही ठंडे हो जाते हैं लोग देख के, आई कैन चैलेंज फॉर दिस, लाइक मेरे लाइफ की एक्सपीरियंस है बहुत पर्सनल.
आर्य आपको बहुत सारे लोग के बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको कई सारे से फैंस हैं आपके जो आपको फिर से एक फिल्मों में देखना चाहते हैं, सीरियल्स में देखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सरप्राइज है, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह? नहीं नहीं कोई सरप्राइज नहीं, मुझे सीरियसली बहुत मैसेजेस आते हैं। पता है बीच में मैंने कुछ पोस्ट किया था तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने बोला था, बस मेरी ओल्ड फिल्म एंड माय फ्रेंड गणेशा कुछ आ रही थी स्टार गोल पे गए, तो बहुत मैंने मैम आप प्लीज एक्टिंग करिए ना, आप इतने अच्छा एक्टिंग करते हो, आप क्यों नहीं स्क्रीन पे आते हो, वी वुड लव टू वॉच यू। बट बहुत लोग एक्चुअली बोलते हैं, मुझे बहुत डीएम्स आते हैं इसके बारे में स्क्रीन के लिए कि आप सीरियल करिए प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगेगा देखना है ना। तो फिर मैं बोलती हूँ आप मुझे रोज यूट्यूब पे देखिए एंड आई विल कम अप विद मोर स्टफ, लाइक आई वांट टू ग्रो माय ओन बिजनेस, माय ओन चैनल व्हिच इज माय ड्रीम एंड सॉरी अगेन actually my mom is calling but that's why I'll call her later. So aise bahut sare messages aate hain but I can't do anything right now kyunki mera target jo hai uske upar mujhe chalna hai, usse main bilkul you know hil nahi sakti, agar thoda bhi main mind fluctuate hua to you will not achieve that thing. Acha to upcoming kaun se jagah ki explore karne ka irada hai? Right now I'm in Dubai. आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं भी दुबई में हूँ। Let me just show you and where I'm right now. It is my home where I'm staying. And मैंने अभी rental यहाँ पर flat किया है, तो मैं एक महीने के लिए क्योंकि दुबई में हूँ and दुबई में पूरा explore कर रही हूँ, यहाँ पर vlog कर रही हूँ और दुबई festival में explore करने वाली हूँ। But उसके पहले I'm going to Serbia. Serbia again is in Europe. It's a country. तो मैं एक स्टेट वहाँ पर जाके मैं एक 15-20 दिन वहाँ रहूँगी, वहाँ से वापस मैं दुबई आऊँगी एंड देन आई एम प्लानिंग फॉर अमेरिका, साउथ अमेरिका। सो आई होप दुबई से सारी फ्लाइट्स चालू हैं, आई हैव माय वीज़ा आल्सो। तो बहुत से 3 महीने तक मैं वापस इंडिया नहीं जाने वाली हूँ, दैट्स माई करंट प्लान। तो 3 महीने तक मैं बाहर हूँ। सो आई हैड फ्यू कोलैबोरेशंस इन दुबई, सो आई वाज स्टेइंग इन द होटल जो खत्म हो चुके हैं और मैं कल से ही मेरे घर में शिफ्ट हुई हूँ। तो मैंने यहाँ पे दुबई इज वेरी गुड कि आप कभी भी एक महीने के लिए घर रेंट पे ले सकते हो, देयर आर नो प्रोसेस, लाइक आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है एंड जो भी इनका डिपॉजिट एंड रेंट है। तो मैंने उसका पूरा ब्लॉग भी शूट किया है कि हाउ आई शिफ्टेड मूव टू दुबई एंड यू नो माय न्यू होम एंड ऑल लाइक, सो व्हिच इज कमिंग वेरी सून। सो राइट नाउ आई एम इन माय होम एंड आई एम शूटिंग दुबई नाउडेज, चल रहा है वही सब। और मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि एक्चुअली देखने जाओ तो ऑडियंस, फैन, फॉलोअर्स, ये सब लोग भगवान है हमारे लिए, यू नो यही लोग ऊपर उठाते हैं, यही लोग नीचे गिराते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और ज्यादा दीजिए, और ज्यादा दीजिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ, आई नो इनिशियली इट टेक्स टाइम और आई डोंट वांट टू लाइक बी डिमोटिवेट और खुद मुझे अपसेट नहीं होना है, बट या आई एम स्टिल यू नो स्ट्रगलिंग टू गेन मोर फॉलोअर्स, मोर फैंस इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट आई नो इट टेक्स टाइम, आई अंडरस्टैंड, ड्रीम्स हैं मेरे ये सारे, बट लेट्स सी। So, sorry. So dreams आज नहीं तो कल पूरे होंगे, I hope, जब आप सही direction में हो। अच्छा आर्या, thank you for talking with us. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye.